देश के कई छोटे राज्यों से ज्यादा बजट वाली बीएमसी में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से सत्ता की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, लेकिन वही जिनकी जीत हुई है वह बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2017 में वार्ड क्रमांक 162 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वाजिद कुरैशी बहुमतों से विजयी हुए हैं। वाजिद कुरैशी ने भाजपा और शिवसेना के दिग्गज उम्मीदवारों को हराकर ये जीत हासिल की है। वाजिद कुरैशी को वार्ड नंबर 162 से 6,148 वोट मिले हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जरीमरी के लोगों से एक सवाल पूछा था, क्या नगर सेवक का बेटा नगर सेवक बन सकता है, कि एक जरीमरी का एक आम आदमी नगर सेवक बन नहीं सकता क्या? वही जवाब आज लोगों ने उसको दिया है। और ये जीत मेरे अकेले की नहीं, ये जो मेरे साथ में मेरे दोस्त है, मेरे यार है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे सीनियर है, उनकी जीत है। और सबसे बड़ी जीत पर हकदार है नसीम भाई का, जिन्होंने मुझे पुष्प भरोसा करके इतनी बड़ी पार्टी का टिकट दिया, और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जरीमरी की जनता का भी, जरीमरी के लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर एक भरोसा जताया, और इतने सालों के बाद जरीमरी के बीच से कोई उम्मीदवार जीता है। धन्यवाद। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है जी, जो अन्नामलाई के बाद जी पहले प्रत्याशी जो है आपने जीत हासिल किया है, जनता के लिए क्या ऐसा काम पहला स्टार्टिंग करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो यहाँ के जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उनके पास रोजी का कोई साधन नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उनको रोजी रोटी के रोजी के लिए कोई रास्ता बनाऊँ, और उनको सही ट्रैक पे लाऊँ, और उनको मतलब उनके जॉब पे लगाऊँ, ये सोचूँगा।